आप चाहे जितना भी महंगा स्मार्टफोन क्यों ना खरीद लो या फिर कितना ही सस्ता स्मार्टफोन क्यों ना खरीद लो, जब भी आप एक नया स्मार्टफोन खरीदते हो तो आप अपने स्मार्टफोन में टेम्पर्ड ग्लास जरूर लगवाते हो, क्यों? लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी आप एक नया टेम्पर्ड ग्लास ऑनलाइन खरीदते हो या फिर कहीं से लगवाते हो तो वहां पर टेम्पर्ड ग्लास में कुछ लिखा होता है, जैसे कि 11D, 9D, 6D या फिर वहां पर लिखा होता है 9H। तो आपने कभी सोचा है कि आखिर में इनका क्या मतलब है? वेल, ये जानना हर एक स्मार्टफोन यूजर के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टेम्पर्ड ग्लास के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जो जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है और ये आपके हमेशा काम भी आने वाला है। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। हेलो, मेरा नाम है मनोज सारू और हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आजकल के स्मार्टफोनों में आपने देखा होगा कि ज़्यादा जितने भी महंगे स्मार्टफोन होते हैं या फिर मोस्टली स्मार्टफोनों में आपको स्क्रीन प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, जैसे कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन हो गया या फिर ड्रैगन ट्रेल प्रोटेक्शन हो गया, जहां पर अगर मोबाइल बाय चांस एक्सीडेंटली गलती से आपके हाथों से गिर जाता है तो जो मोबाइल की स्क्रीन है उसे टूटने से बचाया जा सके। लेकिन फिर भी लोग यहां पर मोबाइल में टेम्पर्ड ग्लास ज़रूर लगवाते हैं। नॉर्मली आजकल के स्मार्टफोनों में दो तरह के स्क्रीन प्रोटेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, सबसे पहला है प्लास्टिक और दूसरा है ग्लास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर प्लास्टिक की, इसे हम आमतौर पर स्क्रीन गार्ड भी कहते हैं या फिर इसे प्लास्टिक फिल्म प्रोटेक्टर भी कहा जाता है। दूसरा यहाँ पर आपको जो स्क्रीन प्रोटेक्टर देखने को मिलता है मार्केट में स्मार्टफोनों के लिए, वो है टेम्पर्ड ग्लास। जी हाँ, जो मोस्टली आजकल सभी स्मार्टफोनों में सभी यूजर, चाहे महंगा स्मार्टफोन हो या फिर कितना ही सस्ता स्मार्टफोन क्यों ना हो, सभी लोग यहाँ पर अपने मोबाइल में टेम्पर्ड ग्लास का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप अपने स्मार्टफोन के लिए एक टेम्पर्ड ग्लास ऑनलाइन खरीदते हो या फिर किसी भी शॉप में जाके अपने मोबाइल के लिए टेम्पर्ड ग्लास चढ़वाते हो तो वहां पर आपने नोटिस किया होगा टेम्पर्ड ग्लास पे कई बार लिखा होता है 9D, 11D या फिर कई बार लिखा होता है वहां पर 9H। तो आपने कभी सोचा जरूर होगा कि आखिर में इनका मतलब क्या है? वेल, बहुत से लोगों को लगता है कि टेम्पर्ड ग्लास में 9H का जो मतलब है वो है मॉस हार्डनेस। अब आप बोलोगे, अरे मॉस हार्डनेस क्या है? आप सभी लोगों ने फ्रेडरिक मोस का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने हार्डनेस ऑफ मिनरल्स को 10 लेवल में क्लासिफाइड किया था, जहां पर उन्होंने नंबर दिया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10। यहाँ पर किसी भी तरह के एच का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वो ये है कि जितने भी स्मार्टफोन होते हैं उनका जो ग्लास होता है उन सभी में जो मॉस लेवल होता है वो होता है 5 या फिर 6 के आसपास, जिसका मतलब ये है कि अगर आप उसमें किसी भी तरह के चाकू से या फिर किसी भी तरह की चाबी से स्क्रैच करने की कोशिश करते हो तो इतनी ईजिली से स्क्रैच नहीं आएगा। इसी वजह से यहाँ पर स्मार्टफोनों में जो ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन लगी होती है, इन सभी का जो मॉस लेवल होता है वो 6 या फिर कह लो 6 से ऊपर होता है। अब आप सोच रहे हो कि यार 9H का मतलब मॉस हार्डनेस भी नहीं होता, तो आखिर में इसका क्या मतलब है? वेल, टेम्पर्ड ग्लास में जो 9H होता है उसमें जो H होता है वो स्टैंड करता है हार्डनेस ऑफ पेंसिल। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि जितने भी टेम्पर्ड ग्लास होते हैं उनमें 9H लिखा होता है। इसका मतलब यह है कि वो जो टेम्पर्ड ग्लास है वो इतना ज़्यादा हार्ड है कि अगर उसमें 9H पेंसिल से भी स्क्रैच करने की कोशिश करोगे तो उसमें किसी भी तरह का स्क्रैच नहीं आएगा। सिंपल भाषा में कह लेता हूँ कि टेम्पर्ड ग्लास में 9H का मतलब यह है कि वो जो टेम्पर्ड ग्लास है वो 9H पेंसिल से होकर गुजरा है, उस टेस्ट से होकर गुजरा है जहाँ पर 9H पेंसिल से उस टेम्पर्ड ग्लास में स्क्रैच करने की कोशिश की गई है, लेकिन वहाँ पर किसी भी तरह का स्क्रैच नहीं हुआ। ठीक है, टेम्पर्ड ग्लास में ये 9H का मतलब तो हमें समझ आ गया। अब यहाँ पर कई बार टेम्पर्ड ग्लास में यहाँ पर 9D लिखा होता है, 11D होता है, इसका क्या मतलब है? वेल, इसे समझने के लिए यहाँ पर आपको समझना होगा 2D ग्लास या फिर कह लो 2.5 कर्विटी ग्लास, 3D ग्लास, जिसके बाद आपको ईजिली समझ आ जाएगा आखिर में भैया ये 9D 11D का फंडा क्या है। वेल, पहले मार्केट में जितने भी फ़ोन आया करते थे उन सभी में 2D ग्लास का इस्तेमाल किया जाता था, यानी उनका जो भी ग्लास या फिर कह लो स्क्रीन हुआ करता था वो एक रेक्टेंगुलर शेप में हुआ करता था, जिनके जो एजेस होते थे वो काफ़ी शार्प हुआ करते थे। तो यहाँ पर जैसे मार्केट में स्मार्टफोन आने लगे, 2D ग्लास का इस्तेमाल किया जाने लगा, तो यहाँ पर स्मार्टफोन की स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर मार्केट में टेम्पर्ड ग्लास भी आने लगे, जहाँ पर 2D टेम्पर्ड ग्लास को मार्केट में लाया गया। तो यहाँ पर एक लिमिटेशन ज़रूर थी 2D ग्लास में या फिर कह लो 2D टेम्पर्ड ग्लास में, वो ये था कि जो एजेस वो काफी ज्यादा शार्प थे। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए यहां पर मार्केट में 2.5D कर्व ग्लास लाए गए, या फिर कह लो 2.5D जो टेम्पर्ड ग्लास है वो मार्केट में लाया गया। फिर इसके बाद क्या, सभी स्मार्टफोन ब्रांड ने धीरे धीरे अपने स्मार्टफोनों में 2.5 कर्व ग्लास का इस्तेमाल करने लगे, जहां पर पहले 2D ग्लास में जो एजेस थे वो शार्प थे, नुकीले थे, लेकिन 2.5 कर्व इस्तेमाल करने के बाद स्मार्टफोनों में जो एजेस है वो थोड़े से कर्व हो गए, जो देखने में काफ़ी बढ़िया लगते थे। तो यहाँ पर आप टेम्पर्ड ग्लास बनाने वाली कंपनी क्या करेगी, आप खुद ही सोचो, वो तो स्मार्टफोन के हिसाब से ही टेम्पर्ड ग्लास डिज़ाइन करेगी। तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा है कि उन्होंने भी अपने टेम्पर्ड ग्लास को जो एजेस है उन्हें कर्व करना शुरू कर दिया, जिसे हम बेसिकली
2.5D टेम्पर्ड ग्लास भी कह सकते हो। अब यहाँ पे कुछ समय बाद स्मार्टफोनों में 3D ग्लास का भी इस्तेमाल किया जाने लगा, जहां पर कुछ स्मार्टफोन ब्रांड ने अपने स्क्रीन को इस तरह से डिजाइन कर दिया, 3D में डिजाइन कर दिया, जो देखने में काफी कमाल का और बढ़िया लगता था। जी हाँ, जो एजेस थे वो तो कर्व थे ही, लेकिन जो साइड थे वो भी पूरी तरह से कर्व हो गए थे, बैंड हो गए थे, जिससे फोन जो है देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता था। तो ऐसे ही जो चेंजेस है वो आने वाले समय में स्मार्टफोनों में होती रहेंगी, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो कभी रुकती नहीं है। तो यहाँ पर जो टेम्पर्ड ग्लास बनाने वाली कंपनी है वो स्मार्टफोन ब्रांड के हिसाब से चलेंगे, वहाँ पर वो जिस तरह के स्क्रीन प्रोवाइड करेंगे उसी तरह से वहाँ पर वो टेम्पर्ड ग्लास डिजाइन करेंगे। तो अभी जो फिलहाल मार्केट में आपको टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिलते हैं वो ज़्यादातर मोस्टली सभी 2.5 कर्व टेम्पर्ड ग्लास होते हैं। यहाँ पर आपको मार्केट में कई सारे 11D, 9D, 6D, वेल जहाँ तक मुझे लगता है जितने भी टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं 11D, 9D, 6D टेम्पर्ड ग्लास में, ये सारे एक मार्केटिंग टर्म होता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर टेम्पर्ड ग्लास में 11D लिखा हुआ है तो लोग और ज्यादा अट्रैक्ट होते, बोलते हैं अरे यार 11D लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि जो टेम्पर्ड ग्लास है वो और बढ़िया है, चलो इसे ही खरीदते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ऐसे चक्करों में आपको कभी भी नहीं फंसना चाहिए। जहां तक मुझे पर्सनली लगता है या फिर मैंने जितने भी नॉलेज लिया है, जितना भी मैंने आर्टिकल पढ़ा है, उन सभी में ज्यादातर में यही बताया गया है कि जो जितने भी टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं 11D, 5D, 9D, ये सारे एक मार्केटिंग टर्म होते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि लोग उस टेम्पर्ड ग्लास को ज्यादा से ज्यादा खरीदे। तो अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि क्या हमें अपने स्मार्टफोनों में टेम्पर्ड ग्लास को इस्तेमाल करना चाहिए, अगर हमारे स्मार्टफोनों में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दे रखी है या फिर ड्रैगन ट्रेल की प्रोटेक्शन दे रखी हो। तो यहाँ पे सिंपल सा जवाब है, यस, आपको बिल्कुल टेम्पर्ड ग्लास का इस्तेमाल करना चाहिए, भले ही स्मार्टफोनों में किसी भी तरह के कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन ही क्यों ना दे रखी हो। तो ये था दोस्तों टेम्पर्ड ग्लास के बारे में जानकारी। आई होप आपको टेम्पर्ड ग्लास या फिर कह लो स्क्रीन प्रोटेक्टर के बारे में काफी कुछ जानकारी मिली होगी, और आपको हमेशा ऐसे चीजों से सावधान और सतर्क रहना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना वीडियो को ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके। कमेंट में आपके कुछ भी सवाल है तो आप वो मुझे पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोस के लिए, या फिर सोशल मीडिया पे जाके मुझे फॉलो कर लेना, वहां पे भी जाके आप सवाल पूछ सकते हो। और मिलता हूं मैं आपको एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।